वॉयस डिवाइन अब से हर महीने की पहली और 16 तारीख को हर बार एक नया एपिसोड, नई थीम, नए थॉट के साथ। ये आहट किसकी यादों की है, ये हवाएं किसके गीत गाती हैं, ये किसकी याद में बदलियां बरस रही। एक बरस गुजर गया, निगाहें अभी भी तरस रही। अगस्त महीने का वॉइस डिवाइन समर्पित है उस अजीम शख्सियत को जिसकी ममता से रोशन है हमारी जिंदगी। जी हाँ, माता सविंदर हरदेव जी। आज माता सविंदर जी की अनमोल शिक्षाओं को दोहराने के लिए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में हाजिर हैं हम। मैं हूँ कुसुम। मैं सविता। मैं पंकज। और मैं अरविंद। नमस्कार। धन निरंकार। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बातें कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, जिनकी जो करुणा है, ममता है, शिक्षाएं हैं, वो अथाह हैं। जी बिल्कुल। और उनके बारे में कुछ भी कहना ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा है। जुबान मौन हुई जा रही है, शब्द गूंगे हुए जा रहे हैं, लेकिन वो जो शिक्षाएं हैं वो कितनी अनमोल हैं, उसकी चर्चा करना तो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। उन्हें दोहराना और उन्हें हर पल याद रखना, जी मैं समझता हूँ ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है उनके प्रति जिनसे हम प्यार करते हैं, जी और जिनको हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में बने रहें। और माँ सविंदर जी ने तो जहाँ पहले हुजूर बाबा जी के साथ रह के इतना प्यार दिया, इतनी जिम्मेवारियाँ निभाई, सभी को संभाला, वहाँ जब सतगुरु रूप में उन्होंने इस सेवा को संभाला और मिशन की अगुवाई करी, तो एक ही अवतार वाणी की वो पंक्तियां जहन में आती हैं। एहसान जो कीते सतगुर पूरे, बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरु दा कर्जा, जन्म जन्म नहीं ला सकदा। क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब लगा सब कुछ खत्म हो गया हो, एक डेड एंड महसूस हो रहा था, और उस समय जो उन्होंने उंगली पकड़ी, मैं समझता हूँ वो देन उनका देना दिया नहीं जा सकता। उस समय की अगर बात करें पंकज जी, तो ये तो ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा कोई बुरा सपना देखता है तो कैसे डर जाता है, सहम जाता है, माँ कैसे उसे अपने आंचल में छुपा लेती है, समेट लेती है, और उस माँ के आंचल में आते ही उसके सारे डर, सारी चिंताएं जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। इसी तरह से वो समय भी किसी बुरे सपने से कम नहीं था जब माँ ने अपने प्यार का आंचल देकर हर गुरसिख को समेट लिया, संभाल लिया। बिल्कुल सविता जी, आप सही कह रहे हैं। उंगली उस वक्त माँ ने पकड़ी कि जब वो कहते हैं ना कि लग रहा था कि अब जैसे हम अनाथ हो गए हैं, जी वो समय ही ऐसा था। लेकिन ना केवल माँ ने हमें संभाला, एक मार्गदर्शक के रूप में, सदगुरु के रूप में हमें हमारी अगुवाई की, हमें उस अंधकार का जो वैक्यूम एक बन गया था हजूर बाबा जी के जाने के बाद, तो वो उस वैक्यूम से हमें आहिस्ता आहिस्ता ममता के साथ, प्यार के साथ, ना केवल हमें उभारा बल्कि हमें एकदम सही रास्ता भी दिखाया, ताकि हम हुजूर बाबा जी की शिक्षाओं को भी याद रखें, माँ के रूप में सदगुरु जो हमें मिले उनकी शिक्षाओं को लेके भी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं। जी बिल्कुल जी। और जो भी उस वक्त वहाँ मौजूद रहे होंगे, सबको एहसास होगा कि जब सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज का वो जयकारा गूंजा था, तो कैसे दिलों में राहत सी आने लगी थी। और उस पल यही ख्याल आया था कि दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह पे जख्म बन गए होते, जिंदगी आपकी नवाजिश है वरना हम लोग मर गए होते। वक्त की आंधी ऐसी आई, सृष्टि संतुलन डोल उठा, मानवता के कल्याण के खातिर मौन भी आखिर बोल उठा। सत्संग जी प्यार से कहना धन, सत्संग जी बाबा जी तो ही वॉज लव पर्सोनिफाइड, सबकी गलतियां भी प्यार से माफ करके टाल देते थे, कुछ भी हो वो सिर्फ प्यार ही प्यार थे। हम सब बाबाई को इसीलिए बहुत प्यार करते हैं, पर बाबाई ये भी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार भी
बहुत ज़्यादा हो, और आज हम सब मिलके ये कसम खाएं कि जैसे बाबा जी चाहते थे हम मिलजुल के सबके साथ प्यार से आगे बढ़ें और इस मिशन को और आगे पहुँचाएँ। साथ संगत जी धन। तो इस तरह शुरुआत हुई एक नए युग की, एक नए दौर की, जिसका निर्माण युग निर्माता सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने किया। जी हाँ सविता, एक नया इतिहास रचा, एक नया संकल्प शुरू हुआ, और उन्होंने जिस प्यार का वास्ता हमें दिया वो आज भी हमारे दिलों में है, आज भी हमारे साथ है, और वो प्यार ही एक ऐसी ताकत है जो सारी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। और यहाँ कुसुम जी, मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सतगुरु से तो हम सब प्यार करते थे जी, और वो हमसे उससे कहीं ज्यादा प्यार करते थे, कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ सतगुरु माता जी ने कहा कि वो बाबू जी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार बढ़े, यानी गुरसिख का गुरसिख से प्यार हो, गुरसिख का पूरी दुनिया से प्यार हो, उस प्यार की स्थापना ये हमारे दिलों में करना चाहते थे। जी हाँ पंकज जी, सतगुरु माता जी ने बाबा जी का जैसे जिक्र किया कि वो चाहते थे कि आपस का प्यार हो, तो उससे यही लगता है कि वो हमेशा हमें यही बच्चों को सिखाना चाहते थे कि सतगुरु को तो मानना ही है, साथ में सतगुरु की भी माननी है, कि जो वो शिक्षाएं देके गए हैं या माता सविंदर ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उनको ही मानना है हमें। तो वही सच्ची ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि जो है उनके लिए हो पाएगी। तो अरविंद जी, घर में भी अगर हम देखें तो माँ का हमेशा यही प्रयास रहता है कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। तो वो जो एक माँ वाला पहलू था, माँ वाला पक्ष था, और जो सदगुरु वाला था, वो दोनों मिल के एक जो महानता आई और जो शब्द आए वो सीधे दिलों तक गए और असर किया। कैसा अद्भुत मिश्रण था। तो वो भी एक बात जहन में आती है, दैट यू कैन नॉट क्लेम टू लव गॉड इफ़ यू कैन नॉट लव हिज चिल्ड्रन। तो जहाँ ये इतनी बड़ी शिक्षा उन्होंने दी, वहाँ और बहुत सारी शिक्षाओं को एकत्रित किया और एक रूप बना संपूर्ण हरदेव वाणी का। वाह, वो वाणी जो युगों युगों तक हम सभी को राह दिखाएगी, मानव मात्र को राह दिखाएगी। बिल्कुल, और इसका श्रेय जाता है माता सविंदर हरदेव जी महाराज को, हरदेव वाणी को हम तक पहुँचाने का, हमें लाभ देने का। जी हाँ कुसुम जी, सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है, भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है, सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हरदेव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है, भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है, सतगुरु पार लगाता है, सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में, कहे हर देव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है, गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, पर पम कर पम कर पम, एक तू
निरंकार। इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कुछ कबूल है। संत महात्मा हमेशा इस निरंकार प्रभु परमात्मा की रजा में रहते हैं। दातार और दातों में उन्हें कभी कुछ चूज करना पड़े तो वो हमेशा दातार को ही चुनेंगे। पीस बिगिंस व्हेन एक्सपेक्टेशंस एंड। अरविंद जी, वो भी एक बात जहन में आती है कि किसी संत महात्मा के पास कोई शख्स गया और कहने लगा कि आई वांट पीस, और उन्होंने कहा कि रिमूव आई एंड रिमूव वांट, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज पीस। तो सद्गुरु माता जी को तो हमने देखा, ऐसे समय में मैं समझता हूँ एक्सेप्टेंस या निरंकार का भाणा मानना किसी भी गुरसिख के लिए संभव नहीं था। बिल्कुल, बहुत मुश्किल की घड़ी थी जी। बिल्कुल, और ऐसे में जब सतगुरु माता जी ने खुद, जब इतना कुछ होने के बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके दिखाया जी, तब कहीं गुरसिखों में वो हिम्मत आई और उनकी कृपा से वो एक रहमत हुई कि हम सब भी कहीं आगे बढ़ पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। और वो लाइनें माता जी के लिए जहन में आती हैं जी, निरंकार की रजा में रहकर शुक्राना करके दिखलाया, माँ ने केवल कहा नहीं, माँ ने तो खुद जी कर दिखलाया। वाह, सचमुच। और पंकज जी, किसी ने क्या खूब लिखा है, माय हैप्पीनेस ग्रोज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू माय एक्सेप्टेंस एंड इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू माय एक्सपेक्टेशंस। एक्सेप्टेंस भी दो तरह से है जी। एक तो ये कि एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, मजबूरी है, करना ही है। और दूसरा ये कि कर्ता निराकार है, निराकार जो सर्वशक्तिमान है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मेरी बेहतरी किस में है ये जानता है। तो जैसे ही ये भरोसा मन में आ जाता है, सारे शिकवे सारी शिकायतें कहीं गायब हो जाती हैं और उसकी जगह मन में एक सहजता और आनंद आ जाता है। मुझे तो वो तुलसीदास की पंक्तियाँ याद आती हैं कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो हो। ऐसे ही भाव एक चार लाइनों में जैसे उतरे वो ये थे कि राहे उल्फत में कोई मलाल ना हो, किसी के जहनो दिल में कोई सवाल ना हो, पाक इबादत हो मकसदे जिंदगी, मेरे जहनो दिल में और कोई ख्याल ना हो। तो ऐसी अवस्था सबकी बने, हमें निरंकार की रजा और इसके बहाने को मानना आ जाए। और अरविंद जी, मुझे महसूस होता है हमने एक्सेप्टेंस के कुछ रूप सुने थे कि सहना आ जाए एक्सेप्टेंस है, इसके भाने में रहना आ जाए एक्सेप्टेंस है, पर माता जी ने एक्सेप्टेंस का एक नया आयाम दिया कि हमें निरंकार के फ्लो में बहना आ जाए। तो ये बहना वाला जो एक्सेप्टेंस का रूप माता जी ने दिया, ये हम सब अपना पाए, ऐसी अरदास पर अपना बनती है। तो पंकज जी, अरदास के साथ साथ हमारे कुछ लिसनर्स ने सदगुरु माता सविंदर जी के प्रति अपने मन के उद्गार भी व्यक्त किए हैं, तो आइए सुनते हैं। ममता मई वात्सल्य रूप करुणामय स्थिरता भक्ति से भरपूर, ऐसा अलौकिक दिव्य एवं संपूर्ण रूप, यानी युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी महाराज। आज जब भी मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे चेहरों पर एक मुस्कान छा जाती है, वो मुस्कान आप हो माता जी। थैंक यू सो वेरी मच माता जी, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए। वी लव यू। Continuous and successful efforts in making women capable in every field. Infinite interest in social welfare works, considering tree plantation and Swachh Abhiyan as her fundamental duty. Such was our Mata Savinder ji. Mata ji was extremely kind, lovable, strength personified and hardworking. सदगुरु माता सविंदर जी हमेशा हमें यही सिखलाया कि हर किसी का सत्कार करना आ जाए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो। इसके साथ साथ कुछ और साथियों ने भी अपने भाव शुक्राने के रूप में व्यक्त किए हैं, आइए सुनते हैं। दास अक्सर बाबा जी माता के साथ टूर पे रहता था, तो एक दिन की बात है, जैसे रास्ते में कहीं खाने के लिए रुके, दास की तबीयत ठीक नहीं थी और जैसे लग रहा जैसे फीवर हुआ है, तो दास गाड़ी के बाहर ही बैठा हुआ था। जब उधर से सब खाना खा के बाहर आए तो माता जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। माता जी ने बुलाया, विजय क्या बेटे खाना नहीं खाया? तो मैंने बोला, माता जी थोड़ा भूख नहीं थी और फीवर जैसा लग रहा है। फीवर जैसा लग रहा है? हम ले हाँ जी।
कहता है ठीक है एक मिनट, आया गाड़ी के पास है। तो जब गाड़ी के पास गया तो माता जी ने अपने बैग से एक टैबलेट निकाला गाड़ी से और उन्हें दिया, कहता है ये लो खाओ और थोड़ा बहुत खाना खा लो ठीक हो जाएगा। और जब शाम को अगले स्टेशन पर पहुँचे वहाँ तो माता जी ने फिर दोबारा पूछा गाड़ी से उतरते हुए, अब कैसा फील हो रहा है? हमारी माता जी ठीक है। तो ऐसा लगा जैसे कि एक माँ कितने बच्चों जैसा प्यार किया, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते ना वैसे प्यार किया। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज, सबको पता है कि वो बहुत ही केयरिंग थे, हर किसी के साथ वो बहुत ही प्यार से, नम्रता से और उसका हर तरह से ध्यान रखते थे। मुझे याद है कि बेटे को ग्लूटेन एलर्जी हो गई थी, तो जब भी उन्होंने मिलना उनके उसके लिए पूछना कि कैसा है, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा, और कहीं पर भी वो टूर पे जाते थे तो उसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते थे जो ग्लूटेन फ्री होता था और उसके लिए ही होता था। हम मिलते थे या कभी उन्होंने किसी महात्मा के हाथ में भेज देना और हम लोग कहते थे वंश तू तो बहुत लकी है, माता जी खुद तेरे लिए पूछते हैं। और ऐसे ही माता जी सबका, हर किसी का, एक एक बच्चे का उन्होंने ऐसे ही ध्यान रखा। एक याद जो मैं आप जी नाल सांझा करना चाहना हाँ, दास का पहला टूर सी ते दास नूं सेवा करन दा चज नहीं आंदा सी ते मैं बहुत जी सारियां गलतियां करदा सी ते माता जी मैनू दसदे सी बेटा यह काम अद्धा नहीं इहनूं अद्धा करना है। जिद्दां एक माँ अपने बच्चे नूं सिखांदी है उदां ही वह सानूं सिखांदे सी, प्यार दिंदे सी। एक दिन दास समान रख रहा सी, जान अगले स्टेशन ते जाना सी ते माता जी मैं समान लैन कमरे च गया ते माता जी मैनू कहंदे ने नाश्ता कीता है? मैं कहा नहीं जी अजे ते नहीं कीता, अजे करांगा, समान एक बारी गड्डी च रखदा सारा फिर करदा जी। ते कहंदे नहीं नहीं समान नू अथे छड़, अथे बह, यह पहले नाश्ता कर। ते उन्होंने पहले नाश्ता कराया फिर मैनू बोलिया, एक जिद्दां माँ अपने बच्चे नू प्यार दिंदी है उदां ही उन्होंने सारी उम्र सानू प्यार दिता है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। यूं तो खुदा का नूर है हर आम खास में, लेकिन खुदा है देखिए, लेकिन खुदा है देखिए माँ के लिबास में। यूं तो खुदा का नूर है हर आम खास में, यूं तो खुदा का नूर है हर आम खास में। सात संगत जी, जिसके अंदर गुरमत की भावना होती है उसके बोल और भाव सब गुरमत वाले बन जाते हैं और उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और जिसके अंदर पॉजिटिविटी है उसका भाव, बोल, कर्म सब एक जैसा हो जाता है और ऐसे लोगों की दुनिया हमेशा यशोगान ही करती है। माता जी ने अपने विचारों में यही फरमाया कि पॉजिटिव रहना है, और माता जी से बेहतर इस सबक को कौन सिखा सकता था जिन्होंने ऐसे समय में ये कहा कि तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। ऐसे समय में इस बात को कहना अपने आप में उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाता है और हमारे लिए भी सबक है कि जिंदगी में पॉजिटिव रहिए, ग्लास को आधा खाली नहीं आधा भरा हुआ देखने का प्रयास कीजिए, अपनी दिक्कतें नहीं अपना जो नंकार ने हमें और बहुत कुछ दिया है उसको देखने का प्रयास करें। और मुझे याद है अभी जब NYS दिल्ली में हुआ जी, तो बीच में थोड़ी सी देर के लिए कुछ जब ब्रेक था तो उस ब्रेक में जो टॉपिक सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने दिया वो टॉपिक था अपने आप में एक लाइन में पॉजिटिविटी पूरी की पूरी जैसे समा गई हो, वो टॉपिक दिया शिकवे से शुक्राने की ओर। और ये पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी सिर्फ नज़रिए की बात है कि हम किस पर फोकस करते हैं, है ना, हम क्या देख रहे हैं जी। ऐसे ही एक संदेश पढ़ा था
कि एक महिला की आदत थी कि वो हर रोज सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिख लिया करती थी। एक रात उन्होंने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा पति पूरी रात जोरदार खर्राटे लेता है क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है। मैं खुश हूँ कि हर महीना बिजली का बिल, पेट्रोल, पानी वगैरह का बिल अच्छा खासा आ जाता है, यानी ये सब चीज़ें मेरे पास मेरे इस्तेमाल में हैं। अगर ये नहीं होती तो ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती। मैं खुश हूँ कि हर रोज़ अलार्म की आवाज़ पर उठ जाती हूँ, यानी मुझे हर रोज़ एक नई सुबह देखना नसीब होती है। ये भी तो ईश्वर का ही करम है। जी हाँ कुसुम जी, मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार एक आश्रम में गुरु जी जब सुबह बैठते सत्संग के लिए, तो सबसे पहले कहते कि आइए हम प्रभु परमात्मा का शुक्र करते हैं कि इतनी अच्छी सुबह दी हमें। कभी कहते कि इतनी अच्छी हवा दी हमें, कभी कहते कि इतनी अच्छी सूर्य की किरणें दी हैं, रोशनी दी है। तो एक दिन की बात है कि मौसम बहुत खराब हो जाता है, सुबह का सत्संग नहीं हो पाता। जैसे ही बारिश रुकती है दोपहर के बाद, तो वो सारे शिष्य गुरु जी की तरफ चलते हैं और सोचते हैं कि आज देखते हैं गुरु जी किस बात का शुक्र करते हैं, आज तो मौसम इतना खराब था। जैसे ही वो सत्संग में बैठते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि आइए हम प्रभु परमात्मा का शुक्र करते हैं कि वो मौसम को रोज़ इतना ख़राब नहीं होने देता। तो भाव कहने का यही है कि जिसने शुक्र करना होता है परमात्मा का, वो किसी भी हाल में शुक्र करने के लिए अपने भाव निकाल लेता है। तो निचोड़ ये है कि अगर खुश रहना है तो पॉजिटिव बने रहें, और पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? इसका सबसे बड़ा सोर्स है निराकार परमात्मा। जितना जितना हम निराकार से जुड़ेंगे उतना उतना हम पॉजिटिव होते जाएंगे। और दूसरा सबसे अहम जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने का एक ज़रिया है, साधन है, वो है साध संगत। जितना हम साध संगत से जुड़ेंगे, जितना हम संतों के वचन सुनेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी हमारे अंदर प्रवेश करेगी और जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती जाएगी। जैसे कि सतगुरु माता जी ने इस बात पे बहुत जोर दिया जी कि पक्कियां दे नल मिलके बैठो, कच्चियां दे नल मिलो ना, लोक की लख भुलेखे पावन, अपनी था तो हिलो ना। तो लेट्स थिंक पॉजिटिव, लेट्स स्पीक पॉजिटिव एंड लेट्स बी पॉजिटिव। तो दोस्तों Let's take a quick dose of positivity. और पंकज जी सुनते हैं ये मधुर सा गीत जी। हे मना खुद को डुबो दे, हे मना खुद को डुबो दे, दाता के एहसास में तू सुमिरन ही हो, हर आते जाते सांस में जाते सांस में।
सत्संग जी, अगर हम फसल लगाते हैं, खाद भी अच्छी उसमें डालें, मिट्टी भी अच्छी हो, मगर अगर पानी खारा हम डाल दें तो वो फसल को नुकसान पहुंचा देता है। इसी प्रकार अगर हमारे भाव भी अच्छे हों, विचार भी अच्छे हों, पर भाषा कड़वी हो तो उससे नुकसान ही पहुंचता है। प्रेम की भाषा सबसे प्यारी भाषा है। छोटा सा बच्चा भी है जो बोल नहीं पाता, वो भी समझ लेता है, और किसी भी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस भाषा को समझ लेता है। तो दोस्तों, माता जी की ये विचार सुन के विवेक शोक जी की दो लाइनें याद आ रही हैं कि जुबां तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, जुबां तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, जुबां से कत्ल करने वाला क्या कातिल नहीं होता। वाकई ये जुबां ही है जिसके लिए कहा गया है कि शहद से ज्यादा मीठी होती है, तलवार की धार से ज्यादा तीखी होती है। जी। शायद ये जो मुंह से निकले हुए शब्द होते हैं सदियों सदियों तक याद रह जाते हैं, चाहे वो मीठे हों या तीखे हों। रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखें, हाँ, तो महसूस होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है किस तरीके से कोई बात कही जाती है। वो एक शेर भी जहन में आता है, कोई बात कब और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे अपने ही बचपन की एक बात याद आ गई कि हम एक बार बैठे थे ड्राइंग रूम में और ग्लास टूट गया शायद मुझसे या मेरी सिस्टर से, और जो घर के दो शख्स आए, दो डिफरेंट बातें उनके मुंह से निकली, शब्द थोड़े से अलग थे पर दोनों का भाव बिल्कुल अलग था जी। कि एक ने कहा कि ग्लास टूट गया है क्या, कोई बात नहीं, और एक के मुख से निकल गया, अरे ग्लास तोड़ दिया। तो टूटा तो ग्लास ही था सच में, लेकिन एक में था कि टूट गया है कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और एक तोड़ दिया में कहीं एक इल्जाम शामिल था कि अच्छा तुमने तोड़ दिया। तो ऐसे ही हम न जाने कितनी बारी अनजाने में इल्जाम दे जाते हैं किसी को, जो शायद होती छोटी सी गलती है, लेकिन बस एक वो बोलने का ढंग ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं लगता। याद आ रहा है पंकज जी, एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी के पास कोई महात्मा आए और उन्होंने कहा कि बेशक मेरे शब्द थोड़े कठोर हो जाते हैं पर मेरा दिल बिल्कुल साफ है, अंदर मेरे कोई छल कपट नहीं है। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, अरे आपके दिल तक तो कोई बाद में जाएगा, सबसे पहले तो आपके शब्द ही आपकी पहचान बनेंगे। तो ये जो वाणी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इसके साथ। वो कहते हैं ना, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे मधुर वचन सुनाए के जग अपनो कर। और कुसुम जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि कौन सी मेहनत लगती है दो बोल मीठे बोलने में या प्यार से बोलने में, पर शायद इतना सरल भी नहीं है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो पंक्तियां जहन में आ गई कि इट टेक्स टू इयर्स टू लर्न हाउ टू स्पीक एंड ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ टू लर्न व्हेन नॉट टू स्पीक। और कमाल की बात यह है कि अंदर जो होगा, जो भाव जो विचार उठ रहे होंगे, इंसान वही बोलेगा। और ये भाव और ये विचार हम अगर इससे जुड़ जाएं, जो प्रेम का सागर है, तो अच्छे हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं, और फिर हमारे बोल भी मीठे होते चले जाते हैं। तो अरविंद जी, मीठे बोलों की बात आई है और आज हम चार लोग जो साथ बैठे हैं उसमें से गीतकार भी हैं, तो अरविंद जी कुछ दो बोल गुनगुना दीजिए। जी, मीठे वाले। मीठे वचन बोले कानों में मधु घोले, मीठे वचन बोले कानों में मधु घोले, हर श्वास में तू ही निरंकार करे हम, सिर्फ प्यार करे हम, सिर्फ प्यार करे हम। और ये प्यार ही सिखाया हमें सद्गुरु माता सविंदर जी ने। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मधुर सी गजल। मिलेगी हर खुशी मांगे बिना इन पर यकीन लाओ, विजय पूरी कहाँ होगी,
God has been so generous enough to give us this beautiful earth. It is our responsibility to keep it clean and maintain it the way God wants it from us. ताकि जब हम इस दुनिया को छोड़ें तो हम कह पाएँ कि जैसे निरंकार ने हमको ये सृष्टि में पैदा करा इतनी प्यारी, उसी प्यारी सृष्टि को हमने छोड़ा है. और ये सिर्फ तभी हो पाएगा अगर हम अपने सेल्फिशनेस को बीच में से निकालेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ जीना सीखेंगे, ताकि देयर बी पीस ऑल अराउंड, किसी को कोई किसी चीज़ का डर नहीं होएगा. इन पंक्तियों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आज माता सविंदर जी साकार रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी देन हमारे साथ है. उनके वचन आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धा से शीश झुका रहे हैं. अब हम किस रूप में याद किए जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है. वरना तो वही शायर का शेर याद आता है कि ता उम्र हमें जीने का सलीका ना आया, हुए जाते हैं चांदी से बाल आहिस्ता आहिस्ता. और कुसुम जी, यही जीने का सलीका जी वो हमें सिखाते रहे. जी हाँ, माँ वैसे ही बहुत गिविंग होती है. माता जी को तो हमने देखा, शी वॉज ऑलवेज गिविंग. हर रूप में उन्होंने दिया ही दिया, चाहे वो सेवादारों को ख्याल रखना, चाहे वो कोई उनके पास अपनी कोई तकलीफ लेके चला जाता था, वो भी उसका निवारण लेके आता था, तो वो भी देती थी वो. और हर प्रकार से हमने समागम में देखा है, सेवादारों का ख्याल रखना, कोई कोठी में सेवा कर रहे हैं महात्मा तो उनका ख्याल रखना, सभी का ख्याल उन्होंने हमेशा रखा. जी पंकज जी, आपको याद है कि जब एडवांस सेवा समागम के दिनों में होती थी, जी जी, तो दिन भर जो सेवादार सेवा करते थे, शाम को माता जी अपने हाथों से दूध जलेबी सबको देती थी. तो जैसे एक पल में माँ के उस आशीर्वाद से, उस रूहानी मुस्कान से दिन भर की थकान दूर हो जाती थी, ठंड भी निकल जाती थी. कौन भूल सकता है उन जी. बिल्कुल, वो घंटों घंटों उनका उस रूप में वो दूध जलेबी बांटना. और यही मैं समझता हूँ कि माता जी ने एक एक गुरसिख से चाहा. ये विचार जो अभी हमने सुनी उसमें यही वो देन देना चाह रहे थे कि हम भी ये सोचें कि हम जब जाएंगे तो क्या देन दे के जाएंगे. और विवेक जी का एक शेर जहन में आता है इस बात से जुड़ा हुआ, ऐसा कुछ करने की तौफीक दे अल्लाह मुझे, इससे पहले कि चला जाऊँ मैं ज़माने से, मेरे हर जानने वाले को विवेक ऐसा लगे कि उसी का हुआ नुकसान मेरे जाने से. तो जहाँ माता जी ने जीने का इतना सुंदर ढंग हमें सिखाया, वहीं पीसफुल को एग्जिस्टेंस की शिक्षा भी दी. माता जी ने कहा कि सभी पीसफुली प्यार से रहें, और ये भी बताया कि ये कैसे होगा. वो होगा जब हम सभी को अपना जानेंगे, जब हम जानेंगे कि पूरा विश्व हमारा परिवार है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, वी आर फैमिली. हमें सद्गुरु माता जी ने जहाँ ये अनमोल शिक्षाएं दी, वहाँ उन्होंने ये भी सिखाया, ये भी बताया कि जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें और परम पिता परमात्मा को जानें. उसके बाद ये सभी क्वालिटीज़ जिनका जिक्र आज हमने वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में सुना, वो सभी क्वालिटीज़ हमारे जीवन में उतरती चली जाएंगी. बिल्कुल सविता जी, मुझे लगता है कि एक बार फिर ये वक्त आ गया है कि हम सब मिलके वो ओथ जो हमने ली थी उसको दोहराएं कि बाबा जी की, माता जी की, समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी, इनकी जो भी शिक्षाएं हैं उन पे हम अच्छे से चल पाएं और इनको प्राउड फील करा पाएं कि हम इस मिशन के डेविटी हैं और जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको अच्छे से निभा पाएं. जी बिल्कुल. और अरविंद जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सतगुरु यही देखना चाहते हैं कि बच्चे उनकी शिक्षाओं पे चल के सुखी हों, और हमें सुखी देखकर इन्हें बहुत सुख मिलता है. और माता जी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे आपकी शिक्षाओं के रूप में. बिल्कुल. और सद्गुरु को, माँ को रिझाने के लिए, खुशी देने के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपस में प्रेम से रहें. और अब हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि माता सविंदर जी की शिक्षाएँ अनमोल हैं, अथाह हैं. हम जितनी भी चर्चा करें कम हैं, शब्दों में तो बांधा ही नहीं जा सकता, जरूरत है तो बस किरदार में ढालने की. फिलहाल श्रोताओं, वॉइस डिवाइन का वक्त सीमित है और घड़ी की सुइयां यही इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय हो चला. अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि हम माता सविंदर जी की शिक्षाओं को अपने किरदार में ढाल पाएं और आपके वचनों पर चलते हुए सही मायने में माता सविंदर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएं.
तो चलते चलते अपने श्रोताओं से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमें दें। हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.nirankari.org पर। तो अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन निरंकार।